अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल VGBWN। आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट प्रैक्टिकल की असाइनमेंट देखेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ओके, तो कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस स्कीमा ऑफ टीचर एंड क्लास एंड डेटाबेस रिलेशंस। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिलेशन स्कीमास दिए हुए हैं। एक हमारे पास टीचर का है, एक क्लास का है। ठीक है, एक हमने टेबल बनानी है। इसका मतलब है टीचर की उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे पास, पहला होगा टीचर ID, फिर टीचर नेम, फिर रैंक, फिर डिपार्टमेंट, फिर सैलरी। और क्लास की भी हमने एक टेबल बनानी है, उसकी भी इसी तरह से हमने कॉलम्स रखनी हैं। उनके अंदर ये वाला डेटा हमने फिल करवाना है। टीचर आईडी के नीचे हमारे वही आईडी आ जाएगी, नेम के नीचे उसका नेम आ जाएगा और रैंक के नीचे उसका रैंक आ जाएगा, फिर डिपार्टमेंट के नीचे उसका डिपार्टमेंट और सैलरी के नीचे उसकी सैलरी आएगी। जब हम टीचर की टेबल बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से टेबल हमारे पास से बन के आ जाएगी। ठीक है, यानी टीचर आईडी वाले कॉलम में हमने उनकी आईडीज़ लिखनी है, नेम वाले कॉलम में हमने उनका नेम लिखना है, रैंक वाले कॉलम में उनका रैंक लिखना है, डिपार्टमेंट और सैलरी। इस तरह से आपने टेबल बना लेनी है। ये हमारे पास टास्क था। ठीक है, ये उनका डेटा दिया हुआ है और टास्क क्या है, वो कहते हैं जी, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द अबव डेटाबेस रिलेशन एज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल टेबल। ठीक है, यानी टेबल्स में हमने इनको लेना है। पहले हमने टीचर की टेबल बना लेनी है और इसकी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ये यहाँ से देखें, इसके अंदर टीचर्स के डेटा मौजूद है। हमारे पास जो भी टीचर बनेंगे वो इस तरह के होंगे। दूसरी हमने बनानी है टेबल, वो क्लास के नेम से हमने बनानी है। क्लास की आईडी हमने लेनी है, वो भी वहीं पे दी हुई है। क्लास की आईडी ये A001, B002, C3003, इस तरह से। ठीक है, तो ये दूसरी भी हमारे पास टेबल इस तरह से बन जाएगी। जस्ट इनका डेटा ही हमने टेबल में फिल करवाना है। दूसरा जो हमारे पास टास्क है, वो कहते हैं परफॉर्म द फॉलोइंग रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन ऑन द गिवन रिलेशन टेबल, प्रोवाइड रिजल्टेंट टेबल्स। ठीक है, जब हम डिपार्टमेंट पे प्रोजेक्शन करवाएंगे वो, तो वो कहते हैं डिपार्टमेंट में से वो टीचर्स निकाले जिनकी क्या हो, रिज़ल्ट CS हो, यानी इनके जो टेबल में हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्शन ऑपरेटर विद कंडीशन डिपार्टमेंट CS ऑन द टीचर टेबल, यानी जिनकी भी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट CS होगा, हमने सिर्फ उनको निकालना है। अब इस वाले टेबल में देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट पहले टीचर 1 का है, फिर टीचर 3 का है और टीचर 4 का है, यानी इन तीनों कॉलम्स को हमने सेपरेट कर लेना है। इस तरह से हम इन तीनों कॉलम्स को सेपरेट कर लेंगे। फिर दूसरा टास्क हमारा है, वो कहता है जी क्लास आईडी, डेज ऑफ वीक और वेन्यू के नेम से हमारे जो भी ऑपरेटर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने अलग कर लेना है। दूसरा हमारा ये है दी प्रोजेक्शन ऑपरेटर विद द एट्रीब्यूट्स क्लास आईडी, डेज ऑफ वीक, वेन्यू। ठीक है, इसको हमने अलग कर लेना है। ये हमारा इस वाली टेबल में से आ जाएगा, यानी ये डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे हमारे पास एक न्यू टेबल में हमारे पास आ जाएगा। और तीसरा टास्क हमारे पास क्या है, वो कहता है नेम, रैंक, डिपार्टमेंट और रैंक में से वो सिलेक्ट हमने करना है जिनका रैंक क्या हो, लेक्चरर, यानी इस टीचर टेबल में से वो वाली टेबल सेपरेट करनी है जिन टीचर्स का रैंक क्या हो, लेक्चरर का। लेक्चरर हमारे पास इसमें 2 ही हैं, वो ये वाले हैं, ये लास्ट वाले। इन कॉलम्स को हमने सेपरेट करके लिखना है। बस यही था इसका सोल्यूशन और ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो। बस ये इसका सोल्यूशन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।